पानीगांव के वन क्षेत्र में ग्राम मुरिया के एक टप्पर में तेंदुआ घुस गया, जिसकी सूचना मिलने पर देवास वन विभाग की रेस्क्यू दल व पानीगांव के स्टाफ ने तेंदुए का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। ग्राम के धारा सिंह पटेल ने बताया कि उसके खेत के टप्पर में एक तेंदुआ जंगल से आकर बैठा है। ग्रामीण खेत में जाने से डर रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी डीएस चौहान को बीट गार्ड इंदर सिंह द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम धुरिया में कृषक धारा सिंह टापरी में एक तेंदुआ आकर बैठा है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, खेत में जाने से डर रहे हैं। सूचना पर देवास रेस्क्यू टीम एवं वन क्षेत्र पानीगांव के स्टाफ के संयुक्त अभियान में तेंदुए को टप्पर में जाल डालकर पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जाल फाड़कर वो भाग गया। आगे जाकर सीताराम पटेल के खेत के नाले में जाकर बैठ गया। कर्मचारियों द्वारा पीछा कर पुनः जाल फेंक कर तेंदुए को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पिंजरे में बंद कर जंगल में छोड़ा गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा खेत में रात्रि को पानी सिंचाई करते हैं, जिसके कारण काफी भय एवं रोष व्याप्त था। ग्रामीणों के रोष को देखते हुए तेंदुए को बगैर ट्रैंकुलाइज किए जाल से जिंदा पकड़कर पिंजरे में डाला गया। सरपंच लाखन पटेल द्वारा बताया गया कि तेंदुआ रात को एक बछड़े का शिकार कर एक पेड़ के नीचे बैठा था। ग्रामीणों को सूचना मिलने पर तेंदुए को भगाने लगे। तेंदुआ काफी संख्या में ग्रामीणों को देखकर डर के मारे टप्पर में छुप गया था। रेस्क्यू टीम के दल के टीम में डिप्टी रेंजर रमेश कुमावत, दिनेश चौधरी, अंकित मंडलोई एवं राजेंद्र शर्मा तथा वन परिक्षेत्र पानी गांव के डिप्टी रेंजर भवर सिंह, इवने उषा रावत, जय नारायण ध्रुवे, विनोद कुमार सिंह, इंदर सिंह का कार्य सराहनीय रहा। हो जाएगा, अब इसको उठाने में मजा आएंगे। कितना सेंटर, मतलब छोटा भी है नहीं तो कितना सेंटर है, देख ऊंच देख ले तो कि सही में। अरे मत करो, मत करो।